दोस्तों, आप हिजाब में जिस लड़की को देख रहे हैं, इनका नाम डॉक्टर नूरी परवीन है और डॉक्टर नूरी परवीन मात्र 10 रुपए में लोगों का इलाज करती हैं। सही सुन रहे हैं आप, 10 रुपए में लोगों का इलाज करती हैं। इनकी फीस 10 रुपए है। अब जरा कल्पना करके देखिएगा कि 10 रुपए भला किसी डॉक्टर की फीस होगी। सरकारी संस्थानों में तो आप समझ सकते हैं कि फीस 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए, 10 रुपए होती है, लेकिन एक प्राइवेट डॉक्टर जब MBBS की पढ़ाई करता है तो खूब सारा पैसा खर्च होता है और उसके बाद से उसकी मंशा होती है कि एक बड़ा अस्पताल बनाएंगे जहां पर एक ठीक ठाक फीस होगी। लेकिन डॉक्टर नूरी परवीन ऐसा नहीं करती हैं। नूरी परवीन के पास हजारों लोग आते हैं जिनकी फीस केवल 10 रुपए होती है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा अस्पताल 10 रुपए में कैसे चलता है? तो सही सुन रहे हैं आप, इतना बड़ा अस्पताल 10 रुपए में ही चलता है और अगर कोई भर्ती होता है तो उसकी फीस 50 रुपए होती है। वर्तमान समय में आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। इस तरह की एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी डॉक्टर शंकर गौड़ा की। ये 5 रुपए वाले डॉक्टर हैं, 5 रुपए कर्नाटक के ये डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज 5 रुपए में करते हैं। नूरी परवीन के पास तो 5 रुपए मतलब एक क्लिनिक भी है। डॉक्टर शंकर गौड़ा फुटपाथ पे के किनारे बैठकर हर रोज 500 से 600 मरीजों का इलाज करते हैं पिछले 35 वर्षों से। अब जो मेरे बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद है, अब मैं वो आपसे साझा करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में अगर किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत होती है तो वो है इलाज, अच्छा इलाज और सस्ता इलाज। सरकारी संस्थानों में इतनी भीड़ है कि सही चीजें मुहैया नहीं हो पाती है, लेकिन जब आप प्राइवेट डॉक्टरों का रुख करते हैं तो वहां पर आपकी जेब ढीली नहीं होती है, जेब सड़ जाती है और खत्म हो जाती है, जेब में आपके कुछ नहीं बचता है। बहुत डॉक्टरों के वहां जाएंगे तो उनकी फीस ही इतनी अधिक होती है कि जितने में आप 10 दिन का राशन ला सकते हैं, लेकिन आप जब ऊपर से वो दवा लिखते हैं तो दवा आपके महीने का बजट बिगाड़ देता है। तो कुल मिला जुलाकर प्राइवेट डॉक्टरों के पास अगर आप जाते हैं तो आपके महीने का बजट खराब हो जाता है। अब सोच के देखिए कि हर घर में एक आदमी कोई ना कोई बीमार है, चाहे वो माता पिता भाई बहन कोई ना कोई है, उसका इलाज चलता हो और उसका इलाज के खर्च में जितना पैसा आता हो वो घर के बजट को बिगाड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर डॉक्टर नूरी परवीन और शंकर गौड़ा जैसे डॉक्टर हर जिले में 1, 2 या 4, 5 हो जाए, कुछ लोग डॉक्टर को कहा जाता है भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन अगर यह भी कहा जाए कि भगवान का स्वरूप होते हैं तो भगवान तो किसी से पैसे लेते नहीं है, भगवान तो किसी से पैसा लेके बंगला बनवाते नहीं है। तो अगर डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है और खुद को लोग डॉक्टर लोग भगवान कहते भी हैं, तो शायद अगर ऐसे लोग पैदा हो जाए, ऐसे लोग समाज में आ जाए जो डॉक्टर नूरी परवीन और शंकर गौड़ा जैसा काम करने लगे, तो लोगों का कितनी मदद हो जाएगी, कितना पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर आजकल के डॉक्टरों को देखें, आप ऐसे तमाम डॉक्टरों को जानते होंगे जिनकी फीस हजारों लाखों में होती है, जहां पर आदमी जाने के बाद धीरे धीरे खत्म होता जाता है, उसका इतना पैसा लगता है। लेकिन नूरी परवीन ने जो काम किया है वो बेहद शानदार है, बेहद उमदा है। डॉक्टर नूरी परवीन 10 रुपए में लोगों का इलाज करती हैं, भर्ती करने के लिए 50 रुपए लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने पढ़ाई कहां से की है, तो इनकी पढ़ाई मैं बता देता हूं, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया है। और ये जो रहती हैं, ये इनका जो क्लिनिक है वो आंध्र प्रदेश के कड़ापा जिले में है, वहीं पर ये अपना क्लिनिक चलाती हैं। जब से ये डॉक्टर बनी है, इनका कहना है कि मैं डॉक्टर बनी हूँ तो लोगों का इलाज करूँगी और लोगों को सस्ते से सस्ते, कम से कम दाम में उनको बीमारी से मुक्ति दिलाऊँगी, उनका इलाज बहुत अच्छे से करूँगा। ये सोच शानदार है और बेहतरीन है। और एक बात आपको बता दूँ, कुछ चीज़ों का असर होता है परवरिश से। जैसे डॉक्टर का बेटा अक्सर आप देखते होंगे डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा अक्सर इंजीनियर बनता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है लेकिन अक्सर देखा जाता है होता है। तो संस्कार भी डेवलप वहीं से होते हैं कि मेरे पिताजी 500 रुपए महीने की फीस लिया करते थे तो मैं बनूंगा उनसे बड़ा डॉक्टर, मैं रसिया चाइना अमेरिका से पढ़ के आऊंगा तो मैं 2000 रुपए के लूंगा। लेकिन डॉक्टर नूरी फातिमा के जो पिता थे, जब नूरी फातिमा छोटी थी तो अकेली थी, इनके साथ 3 बच्चों को गोद ले लिया था, उनकी भी पढ़ाई का जिम्मेदारी भी इनके पिता ने उठाई थी। तो शायद नूरी फातिमा ने अपने पिता को देखा कि जब
उनके घर में मामूली परिवार से आती हैं, साधारण परिवार से आती हैं। जब उनके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी राजमहल जैसी, उस अवस्था में भी उनके पिता ने 3 कमजोर लड़कों लड़कियों को गोद लिया, उनको पढ़ाया लिखाया। तो शायद यही शिक्षा नूरी को भी मिली और वो ऐसी डॉक्टर बनी जो आज 10 रुपए में लोगों का इलाज कर रही हैं। इन्हें लोग आंध्र प्रदेश की मदर टेरेसा भी कहते हैं। ये बहुत प्यार से छोटे बच्चों का, बड़े लोगों का इलाज अपने वहाँ खूब अच्छे तरीके से करती हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। डॉक्टर शंकर गौड़ा और डॉक्टर नूरी फातिमा जैसे लोगों की बेहद ज़रूरत है। अगर आपको भी इस टाइप की कोई स्टोरी पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब मैंने डॉक्टर शंकर गौड़ा की स्टोरी की थी तो मुझे नूरी फातिमा के बारे में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बताया कि ये भी ऐसी डॉक्टर हैं, इनके बारे में भी आप बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।